गोल्डेम इंटरनेशनल की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 400 के लेवल से स्टॉक ने गिरावट दिखाई। ज़रा गौर से देखिएगा, इस चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। 400 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई, कहाँ तक की 340 तक की जंप आया, इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिजेक्शन के साथ गिरावट, फिर एक जंप आया, इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिजेक्शन के साथ लो ब्रेक डाउन किया। लो तो स्टॉक ने इस लो को ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन जहां से बड़ी गिरावट के साथ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ था 340 का लेवल, क्या उस लो को ब्रेक डाउन कर पाया, क्या 340 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर पाया, नहीं कर पाया है। तो इसके लिए मेजर सपोर्ट है 340 का लेवल। चार्ट पैटर्न पर देखें तो इसी सपोर्ट से स्टॉक ने हमको लगातार तेज़ी दिखाई थी। गिरावट आई, जम जम के बाद गिरावट, 340 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं हुआ, सेम सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे, मतलब गोल्डेम यहाँ से अप ट्रेंड दिखा सकता है और अपसाइड स्टॉक दिखा सकता है नीचे की ओर। जब तक 340 के ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए। जिस दिन भी इस लो को ब्रेक डाउन कर गया उसके बाद फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना है। फिर 320 और 300 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ अपसाइड के चांस बने हुए। एक चीज़ तो हमने इस बात को डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी के सेम सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो चार्ट पैटर्न हमको लगातार तेज़ी दिखा रहा है। स्टॉक है अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड में ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है, बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही, मतलब जो बड़े पिलर्स है वो अब भी स्टॉक में बने हुए अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हुए सेल के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यहाँ अभी और उड़ान बाकी है। तो इमीडिएट टारगेट 360 और इस बाउंस बैक के साथ अगर स्टॉक इस हाई को यानी 378 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसी सिचुएशन में एक क्लियर कट यहाँ से बड़ी उड़ान का सिग्नल रहेगा। अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर वैसी कंडीशन में नेक्स्ट टारगेट जो इसका हाई 390, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 400 और 400 के ब्रेकआउट के बाद 410 से लेके 420 तक के भी अब टारगेट हमको गोल्डेम में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।